हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो सीसीटीवी कैमरास में दो रीज़न की वजह से हमें लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फर्स्ट रीज़न है कैमरे की एसेसरी की वजह से। जो कैमरे के साथ हम एसेसरी यूज़ करते हैं, जैसे कि केबलिंग होगी, बीएनसी डीसी कनेक्टर्स हो गए, पावर सप्लाई होगी, या फिर कई बार अर्थिंग की वजह से भी लाइनिंग की प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपने बीएनसी कनेक्टर्स चेक करने हैं, कैसे आपने केबलिंग चेक करनी है, पावर सप्लाई कैसे चेक करनी है और अर्थिंग कैसे देनी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में हम सेकंड टाइप की जो लाइनिंग की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टाइप की लाइनिंग की प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली आती है सराउंडिंग की वजह से, जो सीन कैमरा कैप्चर कर रहा है उसकी वजह से। देखिए, कई बार क्या होता है, किसी किसी साइट पर आपको जो फ्लोरिंग मिलती है वो बिल्कुल वाइट मिलती है, शाइनिंग वाइट होती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, और जो सराउंडिंग होती है, जो दीवारें होती है उस रूम की, वो भी बिल्कुल वाइट होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सारी तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसकी वजह से मोटी मोटी ब्लैक कलर की लाइन आपको कैमरे में देखने को मिलती है। तो उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, किस तरह से आप उसको रिजोल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए, विदाउट एनी डिले मैं आपको साइट पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमने सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया, और जब से सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया तभी से ये ब्लैक कलर की लाइनिंग यहाँ पर आ रही है। और आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, जो आउटडोर कैमरा है वहाँ पर लाइनिंग नहीं है, जो इनडोर कैमरे हैं तीनों ही, वहाँ पर तीनों में लाइनिंग आ रही है। अब ये किस वजह से आती है, देखिए, इसका मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है शटर स्पीड से रिलेशन। कोई बीएनसी कनेक्टर किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ शटर स्पीड से है, और वो हम कैमरे के मेन्यू में जाकर एडजस्ट करेंगे। तो आपने पीटीजेड मेन्यू के अंदर जाना है, उसके बाद यहाँ पर मेन मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद एक्सपोजर में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपोजर के ऑप्शन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है एंटी बेंडिंग का, तो यहाँ पर जाना है। अब एंटी बेंडिंग यहाँ पर ऑफ है, इसको आपने ऑन कर देना है। और देखिए, जैसे ही आपने ऑन किया वो लाइनिंग ख़त्म हो गई। हालांकि ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बट वो एडजस्टेबल है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद लाइव स्क्रीन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेकंड कैमरा है उसकी लाइनिंग बिल्कुल हट गई है। तो अभी हम अगेन फर्स्ट कैमरे पर जाएंगे, अगेन हम पीटीजेड मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद हमने मेन मेन्यू में जाने के बाद एक्सपोजर में जाना है, अगेन हम एंटी बेंडिंग में जाएंगे और उसको वापस से ऑन करेंगे। लेट्स सी कि इस पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइनिंग है वो बिल्कुल ही चली गई है। अब ये जो लाइनिंग है, देखिए कहाँ पर आती है, जब भी आपकी जो वॉल है, वॉल का पेंट है वो वाइट कलर का होता है, और जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो भी वाइट कलर का होता है, जैसे यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं और वो काफ़ी शाइनिंग टाइल्स है, तो उसकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके वापस कैमरे पर आती है और उसकी वजह से ये लाइनिंग आती है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिले, तो या तो आपको शटर स्पीड कम करनी है, मोस्टली देखिए शटर स्पीड का ही ऑप्शन आएगा, ये हिकविजन के कैमरे हैं, यहाँ पर एंटी बेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप एंटी बेंडिंग में भी जाकर कर सकते हैं, या फिर आपको शटर स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कैमरे के अंदर, तो वहाँ पर जाकर आप शटर स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये थर्ड कैमरा है इसको भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगेन हम एक्सपोजर में जाएंगे, एंटी बेंडिंग को अगेन ऑन करेंगे और लेट्स सी कि ये लाइनिंग जाती है या नहीं। तो ये देखिए, लाइनिंग बिल्कुल ही चली गई है। तो अभी मैं आपको सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करके लाइव स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, देखते हैं कि जितने भी हमारे कैमरे थे, यहाँ पर देखिए किसी भी कैमरे में कोई भी लाइनिंग नहीं है। तो अब मैं आपको रियल सिनेरियो दिखाता हूँ इस दुकान का। देखिए, यहाँ पर ये वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है और चारों तरफ वाइट कलर का ही पेंट है, तो उसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्शन है, जो ये लाइट आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग आ रही है, वो उसी की वजह से आती है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, कोई साइट हो जहाँ पर इस तरह की वाइट मार्बल लगी हो और वाइट ही पेंट हो रहा हो, तो वहाँ पर आपको शटर स्पीड को एडजस्ट करना है या फिर एंटी बेंडिंग के ऑप्शन को ऑन करना है। सो गाइस, देखा आपने कितनी इजीली आप अपने सीसीटीवी कैमरे से इस टाइप की लाइनिंग को रिमूव कर सकते हो। सिंपली आपने कैमरे की सेटिंग में जाना है, पीटीजेड ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर जाकर अगर आपके पास हिकविजन का DVR या फिर कैमरा है, जैसे मेरे पास था हिकविजन का रेगुलर सीरीज़ का DVR था और हिकविजन का ही 2 मेगापिक्सल का कलर कैमरा था, वहाँ पर आपको एंटी बेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने इसे ऑन करना है और जो आपका सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग कैमरा एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास CP+ या फिर धौआ का जो DVR है, उसमें आपको शटर स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, तो शटर स्पीड को आप अपने सीन के अकॉर्डिंग, जो वहाँ पर सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, 1 by 1 ट्राई करना है। ये सब कैमरा लगने के बाद होगा।
आपने एक बार कैमरे को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद जो सिनेरियो है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपने शटर स्पीड को एडजस्ट करना है और जो ये लाइनिंग आपके कैमरे में आ रही थी वो चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो सिंपली आपने ये सेटिंग करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।